नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी लेकर के आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक वीवो का फ़ोन है V9, जिसमें कि पैटर्न लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको हम फॉर्मेट करने का प्रयास करेंगे और इसका FRP भी करने का प्रयास करेंगे अनलॉक टूल की मदद से। तो चलिए हम देखते हैं कि अनलॉक टूल सक्सेस होता है या नहीं होता है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स कि कुछ पुराना मॉडल जो है, ये अनलॉक टूल जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि ये अनलॉक टूल से नहीं होगा, तो फिर ये AMT टूल से हम इसका FRP फॉर्मेट दोनों करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, हम दोनों स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। ये आपका अनलॉक टूल फेल हो जाएगा, फिर AMT टूल से हम करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हम EDL पॉइंट की मदद से इसका हम FRP करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्वेलकम CPU लगा हुआ है। तो देखिए, ये आपका अनलॉक टूल में फेल कर दे रहा है। तो फिर हम यही प्रोसेस जो है और एक दो बार और दोहराते हैं, नहीं होगा तो फिर हम एंड्रॉयड मल्टी टूल से करेंगे। ये हमारा क्या है, फेल कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि AMT टूल की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वीवो का V9 को हम फॉर्मेट और FRP दोनों करेंगे वन क्लिक में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा।